नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं रतिया आपके साथ। इस समय की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग और एक कहीं बहुत बड़ा अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। काफ़ी समय हुआ म्यूनसिपल इलेक्शन नहीं हुए, बट उसके बाद म्यूनसिपल इलेक्शन हुए कहीं ना कहीं ये लगा था कि जम्मू कश्मीर में अब विकास अपनी गति जो है वो तेज़ कर लेगा। बट बात ये हुई कि जम्मू के मेयर तो वैसे के वैसे झोंके त्यों हैं, अपनी सीट पर बरकरार हैं, शायद जम्मू का काम हो रहा है। बट अगर बात की जाए कश्मीर की तो शायद ऐसा वहाँ के जितने भी काउंसलर जितने भी पार्षद उनको लगा कि हमारा काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। यही कारण रहा कि अब मेयर जो है वो चेंज जानकारी लेंगे। ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं फर्स्ट इंडिया के। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कारण रहा आखिरकार मेयर जो है वो अब वो मेयर नहीं रहे जो पहले थे? देखिए, पहले देखना होगा कि जम्मू और श्रीनगर में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो इलेक्शन हुए जी, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कहा था कि वो इस जिंदा जिसको सेकंड किया था उस वक्त पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने जी, उसके बाद मुश्किल हालात में चुनाव हुए और घाटी में भी वोट डाले गए, चाहे कितने ही पड़े लेकिन वोट डाले गए। और उसके बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के लिए सादिक गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक ने कहा था कि अमेरिका हुवार्ड यूनिवर्सिटी रिटर्न जो शख्स है वो श्रीनगर का मेयर होगा। और ये कहावत नहीं बल्कि हकीकत में तब्दील हुई और जुनेद अजीम मद्दू को कहीं ना कहीं दाएं बाएं की तरफ से जो उन्हें हिमायत मिली थी और मेयर बनने के बाद डिप्टी मेयर के लिए शेख इमरान उस वक्त इलेक्शन जीत गए। शेख इमरान का ताल्लुक उस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर था। बाद में हर लम्हे गुजरने के साथ साथ जितनी तेजी के साथ आंधी और हवा बदली, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सजाद गनी लोन वाले ग्रुप में। उसके बाद 35 से 370 हटने के बाद और कई कारणों के बाद विवाद में रहने के बाद काफी समय उन्हें जेल में गुजारना पड़ा। जेल से छूटने के बाद और जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्हें डिप्टी मेयर की कुर्सी से भी हटा दिया गया और जुनेद अजीम मद्दू एक बार फिर फ्लोर टेस्ट में कामयाब हुए, मेयर की कुर्सी पर बैठे और इन्हें शेख इमरान को हटा दिया गया जी। अब क्योंकि कुछ दिन से ये तसलसल चल रहा है कि शायद शेख इमरान अगले श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर होंगे, जिसके बाद शेख इमरान ने फ्लोर टेस्ट के लिए कमिश्नर और म्युनिसिपल कमिश्नर से अलग-अलग तौर पर मुलाकात की और फ्लोर टेस्ट में आज सुबह 11 बजे जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें जुनेद अजीम मद्दू जो है वो ये फ्लोर टेस्ट हार गए। हालांकि उन्होंने कई आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पे लगाए। इस तरह से शेख इमरान जो है और रियासत जम्मू कश्मीर में डिप्टी मेयर बनने के बाद हटने के बाद अब उन्हें मेयर मुंतखब किया गया। भारी अक्सर के साथ उन्हें 43 वोट मिले और उसके बाद उन्होंने अपना पहला बयान जो अभी भी ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और कई वार्ड अफसरों का नाम लिया, वो एंटी करप्शन ब्यूरो को उनके खिलाफ लिखेंगे। अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है तो जुनेद अजीम मद्दू ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? जिसके बाद रति आपको याद होगा कि कुछ दिनों से काफी ज्यादा सियासत गर्म रही। आखिर श्रीनगर में ही मेयर तब्दील क्यों होते रहे? क्या जम्मू में इस तरह से वोट नहीं डाले गए जब जम्मू में बीजेपी ने वहां पर बहुमत हासिल की और मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी अपने नाम की भारी अक्सरियत के साथ? श्रीनगर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और सियासी नाकदीन का मानना है क्योंकि बीजेपी का भी देश के कश्मीर जो है वो एनसी कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी के साथ या इंडिपेंडेंट पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ लोग हैं। बिलाखिर एक रियासत जम्मू कश्मीर में कल जब जुनेद अजीम मद्दू और शेख इमरान ने अलग अलग तौर पर जीएम मीर कांग्रेस पार्टी के सदर से मुलाकात की, उनसे ताउन मांगा, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी से बात की, उन्होंने कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं होंगे जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, लेकिन सियासी बयान अपनी जगह और 43 कॉर्पोरेटर्स ने श्रीनगर के शेख इमरान के हक में वोट दिया और इस तरह से जुनेद अजीम मद्दू जो है काफी विवादों में घिरने के बाद अब मेयर नहीं रहे। उन्होंने अपना ट्वीट डालते हुए कहा कि अब मैं फैमिली के पास टाइम दे दूंगा किया, लेकिन मुझे लगता है एक अच्छे आदमी को एक बेटर आदमी ही रिप्लेस कर सकता है। देखा जाए क्या वहाँ के लोग मतलब कश्मीर के लोग खुश थे या नहीं थे? देखिए, खुश और नाखुश होने की बात नहीं है। जब से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, आपको मैंने इब्तिदा में ही कहा कि पहले तो नलिन से ही बयान शुरू हुए, कांग्रेस ने दिलाकर उस वक्त आखिरी लम्हा से कहा कि क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है
वो इस चीज का ऐसा नहीं होंगे जो कि इलेक्शन या स्टे अवे जिसका हम उर्फ आम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन से दूर रहने को। मुझे लगता है कि लोगों के मामला जो थे वो डिप्टी और हमेशा थे, जुनेद मतू जब मेयर हुआ करते थे, शेख इमरान डिप्टी मेयर हुआ करते थे, तो आपसी बयानबाजी और लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चलते रहे। उसके बाद सलाह समझौता हुआ और शेख इमरान को पीसी में शामिल कर दिया गया। उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी जो रोल था वो थोड़ा सा कम होने लगा, हालांकि जुनेद अजी मतू अभी भी तर्जमान आला की हैसियत से पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल है सज्जाद गनी लोन साहब के साथ। लेकिन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ जो आवाम जुड़े हैं बड़ी उनकी उम्मीदें थी शायद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंतखाबात होने के बाद उनके मसाइल हल होंगे। मुझे लगता है कि मसाइल ज्यादा बढ़ गए और आपसी झगड़ों की वजह से जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं किसी हद तक मुतासर हुआ। लेकिन कोविड-19 और जिस तरह से जुनेद अजीम मतू ने काफी ज्यादा काम किया, जर्नलिस्ट बनवाई और उसके बाद खुद खड़े रहे एक फ्रंट वॉरियर की तरह, उस रोल को भी यहाँ पर खत्म नहीं किया जा सकता। शेख तजम्मुल साहब, मैं पूछना चाहूंगी, शेख इमरान के मेयर बनते हुए कॉर्पोरेटर खुश नजर आ रहे हैं, क्या उनको लगता है कि अब उनके काम हो जाएंगे? बहुत ज्यादा खुश थे। देखिए तब्दीली जो है वो एक जिंदगी का हिस्सा है और नई तब्दीली जब आती है, जब आप डिप्टी मेयर को हटाते हैं, जेल में रहते रहते उन्हें डिप्टी मेयर के अहदे से हटवाया गया, उसके बाद दोबारा वापस आए, बाहर आए, तो एक फिल्मी अंदाज शेख इमरान का जो सियासी करियर है वो आगे जा रहा है। कभी जेल के अंदर, कभी एंटी करप्शन ब्यूरो, कभी जेके बैंक के मामला, कभी सारे मामला, कभी जुनेद अजीम मतू इल्जाम लगाता है, कभी सज्जाद लोन के ग्रुप में शामिल होते हैं। लेकिन इस शख्स ने अपनी जंग नहीं हारी, सरेंडर नहीं किया और आगे बढ़ते गए और आज कॉरपोरेटर जो है उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और बड़ी उम्मीद है अब शेख इमरान से। और इस मुस्कुराहट को उम्मीद के साथ साथ अब रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना होगा और नतायज बरामद करने होंगे ताकि शहर को और ज्यादा खूबसूरत और गंदगी और कूड़ा कचरे से पाक रखा जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तमाम जानकारी देने के लिए। तो तजम्मुल जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी कि आखिरकार क्या कारण रहे, किन वजहों से मटू साहब और शेख इमरान के बीच में एक ऐसी लहर जो थी, गुस्से वाली लहर जो चलती रही, जिसकी वजह से जो है नुकसान किसको उठाना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा कॉर्पोरेटर्स को। अब आपको बता दें कि शेख इमरान जो हैं अब नए मेयर बन चुके हैं इस समय कश्मीर के। और अब आपको सबसे बड़ी जानकारी जो आपको बताते चलें कि अब चिंता नहीं होगी कॉर्पोरेटर्स को, ऐसा लगता है एक खुशी की लहर, क्योंकि बदलाव एक जिंदगी का कहते हैं ना कि बदलाव ज़रूरत है, और बदलाव नहीं होगा तो आखिरकार कैसे पता चलेगा कि जिंदगी चल रही है। तो एक बदलाव और नज़र आया है और शेख इमरान जो है वो मेयर के रूप में सामने आए हैं। अब कितना काम वो करवा पाते हैं, कितना नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी और आने वाला समय ही बता पाएगा। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।